कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीन्हु श्री वृंदावन वास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक के नाथ है सोते रो आदि जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदानंदन गज जनरंजना यशोदानंदन गज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनतीर वन चारी यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद
नंद यशोदा दुलारी वरदारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलारी वरदारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरी वरदार जय जय नंद यशोदा दुलार गिरि वरदारी गोपाल जय नंद यशोदा दुलार गिरि वरदारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हम को कुटिया ब्रज माही बनाने हम ब्रज हम को कुटिया ब्रज माही बनाने हम को कुटिया ब्रज माही बनाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपने ठकुरान शिरान करानी अपने ठकुरान शिरान करानी अपने ठकुरान शिराज करने राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम
बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय कीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे निंदन्तं पुलकोत्करेण विकास अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्वीर्क्रोत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमाश्रुनिर् जरचये सिंचन्त भोरवीतलं गायन्तं निज पार्षदे परिवृतं श्री गौरचन्द्रं नुमः श्री गौरचन्द्रं नम आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम् बफलधरोष्ठा पूरणेन्दुसुन्दरमुखाय अरविन्दनेत्राय
कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अध्येव मे विशतु मा नसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। योन्तः प्रविश्य मम वा चमीमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याः सहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्र श्यपुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबत्स्वा मृत में देव गोविंद दामो दर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं।
श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण उपनिषद का सार है, श्रीमद् भागवत जिसकी रचना साक्षात भगवान के द्वारा हुई है, श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं। पादो यदीयो प्रथमतु द्वितीय तृतीय तुरियो, कहते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम दो स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण की कमर है। चतुर्थ और पंचम स्कंद भगवान के कटी प्रदेश। इस प्रकार करते हुए प्रत्येक स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है और दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्न चित मुख है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है। इस प्रकार साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति। वैसे तो इस भागवत में शत कोटि सौ करोड़ श्लोक हैं। इस भागवत की मूल रचना वैकुंठ में भगवान नारायण के द्वारा हुई, परंतु कलयुग के जीवों के लिए किस प्रकार से इस भागवत को पृथ्वी पर प्रकट कराया गया, यह कथा प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी सुनाते हैं। हम सब जीव भगवान से विमुख होकर इस संसार में फंसे हुए हैं। कई बार लोग जिज्ञासा करते हैं, कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं तो कुछ लोग गाते हैं, दुनिया बनाने वाले जानते हैं क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। संसार के लोग भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु दुनिया बनाने वाले, तूने ये दुनिया क्यों बनाई। लेकिन ऐसा कब कहते हैं जानते हैं, जब जीवन में दुख आ जाता है। जीवन में जब सुख होता है तब भगवान की कोई याद नहीं करते हैं, लेकिन जब परेशान हो जाते हैं दुख आता है तब कहते हैं हे भगवान तूने दुनिया क्यों बनाई। तो प्रायः जगत में लोगों का यह प्रश्न, इसका उत्तर सुनिए। भगवान को यह दुनिया बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान की इच्छा नहीं है कि यह भौतिक संसार का निर्माण हो, भगवान नहीं चाहते हैं। परंतु हम सब जीवों की इच्छा है, सृष्टि के प्रारंभ में अहमेवास्मेवाग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र भगवान ही थे और भगवान ने अपने शरीर से अनेकों जीवों को प्रकट कर दिया। किस स्थान पर रहकर भगवान ने जीवों को प्रकट किया? भक्तों, भगवान जहां पर रहते हैं उसे आध्यात्मिक जगत कहा जाता है, उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ का अर्थ क्या है? कुंठ का अर्थ होता है क्लेश, दुख, झगड़ा, मारामारी, महामारी।
और वैकुंठ का अर्थ होता है जहां पर दुख न हो, क्लेश न हो, झगड़ा न हो। भगवान अपने दिव्य धाम में आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और परम सुखमय जीवन बिताते हैं, और उस आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल नीचे, बिल्कुल परे एक भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और हमारा प्रश्न क्या है, काहे को बनाया ये सब, काहे को बनाया माटी का पुतला। यदि माटी का पुतला ही है तो शादी क्यों करते हैं? लेकिन एक गाना कब गाते हैं, जब दुख आता है। तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, कहते हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में, बॉर्डर में एक समुद्र है जिसे कारण समुद्र कहते हैं। भगवान श्री महाविष्णु उस कारण समुद्र में शयन करते हैं, और आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के बीच में भगवान ने शयन करते हुए अनेकों जीवों को प्रकट किया। ध्यान से सुनिए, मैं कोई बहुत हायर कथा नहीं सुना रहा हूं, ये हम सब जीवों की व्यथा सुना रहा हूं। भगवान ने अनेक जीवों को प्रकट किया, इसलिए इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको आत्मा कहा जाता है। इस बात का प्रमाण भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं मम एव अंश। संस्कृत का थोड़ा सा ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं, मम अंश कहने से चल सकता है। इस संसार के जीव मम अंश, मेरे अंश हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मम एव अंश, एव का अर्थ है मेरे ही अंश है। इस बात को दृढ़ करते हुए कहते हैं, इस संसार के समस्त जीव मेरे ही अंश है। अर्थात भगवान परमात्मा है, और परमात्मा का अंश होने के कारण इस सब जीवों को आत्मा कहा गया। तो हम सब कौन है? कुछ लोग डरते हैं आत्मा है? आत्मा माने भूत प्रेत है? वास्तव में हम सब आत्मा है, और आत्मा जब ये शरीर धारण करती है तब उसे जीवात्मा कहा जाता है, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो हम सब आत्मा है और भगवान परमात्मा है। देखिए शास्त्र का सिद्धांत, इस संसार में कुछ लोग शास्त्र के ज्ञान के अभाव में अपने अपने मन की बातें करते रहते हैं, और अपने अपने मन की धारणा, अपने बुद्धि की धारणा समाज में प्रस्तुत करते हैं, और समाज के श्रद्धालु जन इसे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा ही है, आत्मा सु परमात्मा। लेकिन आत्मा और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग का ऐसा मानना है, आत्मा यदि परमात्मा का ध्यान करेगी तो आत्मा भी एक दिन परमात्मा बन जाएगी। संसार में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। अब बताइए, आत्मा परमात्मा का ध्यान करके क्या वो परमात्मा हो जाती? मान लो इस संसार में कोई धनी आदमी है, आपके थाईलैंड में सबसे बड़ा धनी कौन है? कौन? ये जो फोटो लगाया है किसका फोटो? राजा, क्या नाम है? उस राजा का नाम क्या? राम? मुझे नहीं बोलने आएगा, लेकिन मैं यहां पर अनेकों जगह पर फोटो देखा है ना, वो कहते यहाँ का, यहाँ के राजा है ना। तो हम रोज सुबह बैठेंगे और उस राजा का ध्यान करेंगे तो क्या हम राजा बन जाएंगे? तो आत्मा परमात्मा का ध्यान करेगी परमात्मा हो जाएगी?
कभी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं कि आत्मा परमात्मा का ध्यान करती है तो परमात्मा नहीं बनती है, वो महात्मा बन जाती है। इसलिए भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बहुत सारी आत्मा मिल जाएगी तब वो परमात्मा बन जाएगी। बहुत सारी आत्मा मिलती है तो परमात्मा हो जाती है, ये भी गलत है। कुछ लोग ऐसा ध्यान करते हैं सोहम, सोहम माने सो माने वह, ईश्वर परमात्मा, अहम माने मैं वही हूं, मतलब मैं परमात्मा हूं। और ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं जानते हैं? उन लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम ऐसा बोलेंगे तो हम भी परमात्मा हो जाएंगे। तब तो अच्छा है, तो हम भी अब ऑफिस में कौन जाए, दुकान में कौन जाए, रोज बोलते रहे मैं राजा हूं, क्या हम राजा हो जाएंगे? यदि बहुत बार ऐसे बोलते रहे तो रोड पे खड़ा हुआ व्यक्ति मारेगा पीटेगा। तो आत्मा और परमात्मा में बहुत अंतर है। परमात्मा स्वतंत्र है और आत्मा परतंत्र है। परमात्मा विभू है, आत्मा अणु है। इस सब में अंतर बता रहा हूं। इस संसार में लोग अपने आप को भगवान साबित करते हैं या भगवान बनना चाहते हैं तो ये कभी हो नहीं सकता है। परमात्मा तीनों गुणों से परे है और आत्मा जो है कभी कभी दुर्गति में फंस जाती है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा और आत्मा में गुण समान है ना। परमात्मा का स्वरूप आपने परसों सुना, क्या स्वरूप है भगवान का? सत चित और आनंद। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है इसलिए आत्मा भी सत चित आनंद है। परमात्मा सच्चिद आनंद से बने हैं और आत्मा भी सच्चिद आनंद से बना है। इस बात को लेकर संसार के लोग ऐसा कहते हैं आत्मा और परमात्मा समान है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है क्योंकि हम ब्रह्म के अंश हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, हम ब्रह्म के अंश हैं इसलिए हम ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म के छोटे से एक स्फुलिंग है, ब्रह्म के एक छोटे से पार्ट। तो गुण की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा सच्चिदानंद और आत्मा भी सच्चिदानंद। परंतु साइज और मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा विभू है, आत्मा अणु है और साइज में भेद होने के कारण आत्मा और परमात्मा के गुण में भी अंतर हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट विषय है, कुछ लोगों की बुद्धि को थोड़ा बुद्धि की खिड़की को खोलना पड़ेगा इन सब सिद्धांतों को समझने के लिए। परंतु एक साधारण सिंपल दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। एक समंदर है और एक समुंदर की बूंद है। समुंदर में जो गुण है वही गुण समुंदर के बूंद में है कि नहीं? आप समुंदर के पानी को लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ तो जो कॉम्बिनेशन जो गुण आएगा वही गुण उसकी बूंद को आप टेस्ट कराओ तो आएगा, है ना। समुंदर में भी एक समान गुण है, समुंदर की बूंद में भी वही गुण है क्योंकि वह बूंद समुंदर का अंश है। परंतु समुंदर की बूंद को गरम गरम तवे के ऊपर रखा जाए तो क्या होगा? थोड़ा फन 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 करके धुआं हो जाएगा, वो बूंद का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और गरम गरम तवे के ऊपर यदि समुंदर को डाला जाए तो वो तवा ही समुंदर में खो जाएगा। आप ध्यान से समझिए इस बात को, दोनों में गुण समान है, बूंद में और समुंदर में, लेकिन गरम तवे के ऊपर बूंद रखा तो बूंद का अस्तित्व नष्ट हो गया और उसी तवे के ऊपर समुंदर को रखा तो वह तवा खो गया।
तो गुण समान है परंतु मात्रा में अंतर होने के कारण दोनों के सामर्थ्य में अंतर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा सच्चित आनंद है, गुण समान है परंतु परमात्मा विभू और स्वतंत्र, आत्मा अणु और परतंत्र होने के कारण दोनों में जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में भेद है। और ये जितनी भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं, ये भगवान के शरीर से प्रकट हुई है। आइए फिर से आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और उसके बीच में बॉर्डर, जहां पर भगवान कारुदक्षायी विष्णु शयन कर रहे हैं और उससे करोड़ों करोड़ों जीव प्रकट हो चुके हैं। और जितने भी जीव प्रकट हुए, 99.99% जीव जो थे उन्होंने देखा कि भगवान श्री विष्णु ने हमें प्रकट किया है और विष्णु ही हमारे वास्तविक पिता है और इस वास्तविक पिता परमात्मा की सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए उन सभी जीवों ने भगवान की सेवा को स्वीकार कर लिया और भगवान की सेवा को जब स्वीकार किया तब भगवान ने कहा ये तो बॉर्डर है, आप सब आध्यात्मिक जगत में जाओ, वैकुंठ में जाकर मेरी सेवा करो। लेकिन 1% 1 पॉइंट जो जीव थे ना वो नहीं गए, वो वहीं पर बैठे रहे। भगवान ने कहा वो सब चले गए, आप लोग भी जाओ मेरी सेवा के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी सेवा करना नहीं चाहते। तो क्या चाहते हो? बोले हम आपकी तरह भगवान बनना चाहते हैं। देखिए ये मैंने पहले ही कहा, ये और किसी की कथा नहीं, ये हम सब की कथा है। जो चले गए भगवान के धाम में वो तो गए, और जो रह गए उनमें से हम भी एक हैं। हम लोग यहां दुनिया बनाने वाले काहे को बनाई, काहे को यहां पर भेजा, इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। भगवान के पास हम खड़े रह गए, हमें आपकी तरह भगवान बनना है। भले अभी वर्तमान में हमको याद नहीं है कि हमने ऐसा कहा होगा, लेकिन हमारी हरकत को देखकर हम समझ सकते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कहा तो होगा, क्योंकि आज भी हम लोग भगवान बनना तो चाहते ही हैं, करोड़पति बन जाए, मिलियनियर बन जाए, अरबपति बन जाए, हम राजा बन जाए, आज भी लोगों को भगवान बनने की इच्छा है। तो सृष्टि के प्रारंभ में जीवों की जब उत्पत्ति हुई तो जो जीव भगवान की सेवा करना चाहते थे वो भगवान के धाम में गए, और जो सेवा नहीं करना चाहते थे वह खड़े रह गए, बोले हमें भी भगवान बनना है। तब भगवान ने समझाया, किसको समझाया? हम सबको। जो लोग इस पृथ्वी में आपको दिख रहे हैं ना, वो सबको समझाया। और ये जो दिख रहे हैं वो मात्र 1% का 1 पॉइंट है, 99.99% तो भगवान के धाम में चले गए, बहुत कम लोग यहां पर आए। भगवान ने समझाया, देखो आप सब मेरे अंश हो, आप सब मेरे पुत्र हो, आप लोग भगवान बनना चाहते हो तो ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब अंश हो और मैं अंशी हूं, आप भोक्ता नहीं बन सकते हो। और यदि भोक्ता के पद पर आपको बिठा भी दिया जाए फिर भी आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत समझाया लेकिन मनुष्य की बुद्धि मानी ही नहीं, ये लोग समझे ही नहीं, बोले नहीं हमें भगवान ही बनना, हम क्यों आपकी सेवा करें, लोग हमारी सेवा करने चाहिए। अब भगवान क्या करे? जैसे उदाहरण के तौर पर आज का कोई 5 साल का बच्चा अपने पिता को कहे पिताजी मुझे खिलौना लेकर दो, मुझे घर घर खेलना है ना, छोटे छोटे बच्चे खेलते ना, समुन्द्र के तट पर जाते हैं और मिट्टी का महल बनाते हैं, न जाने क्या क्या, ट्रैक्टर चलाते हैं, क्या 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 करते रहते हैं। पिताजी मुझे घर घर खेलना है। पिताजी कहते हैं देखो पढ़ाई में ध्यान दो, एग्जाम नजदीक आ रही है। बोले नहीं मुझे खेलना है। पिताजी समझाते देखो
तुम पढ़ते हो पढ़ रहे हो, वेकेशन में मैं लेकर दूंगा। बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, नहीं मुझे चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए। अब तब पिताजी क्या करते हैं, उस बच्चे को खिलौना लेकर दे देते हैं और कहते हैं कि देख ये खिलौने से खेल, और जब तेरा मन भर जाएगा तो फिर से पढ़ाई में ध्यान देना। बस उसी प्रकार की घटना हमारे साथ हुई भक्तों। हम लोग भगवान की सेवा करना नहीं चाहे, हम लोग खुद भगवान बनना चाहे। भगवान ने बहुत समझाया, भगवान का कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान ने जीव को स्वतंत्र रखा। समझाया कि देखो तुम दुखी हो जाओगे, वहां कष्ट होगा, लेकिन हम लोग नहीं माने। तब जाकर भगवान ने कहा देखो आप लोगों को भगवान बनना है ना, भोक्ता बनना है ना, आप लोग को भगवान बनना है, आप मेरे धाम में भगवान नहीं बन सकते। आपको भगवान बनना है तो इसके लिए मुझे एक नई सृष्टि बनानी होगी। ये पृथ्वी, ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। जब हमारी इच्छा हुई कि हम भोक्ता बने, हम भगवान बने, तब भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति माया को आदेश दिया। ये सब टेक्निकल विषय हैं भागवत के, मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान में अनेक शक्तियां हैं, उन अनेक शक्तियों में यदि उसका विभाजन किया जाए तो दो प्रकार की शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के अंदर और भगवान के धाम के अंदर रहती है, जिसे योग माया कहा जाता है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है जिसे महामाया कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु ने उस समय अपनी बहिरंगा शक्ति महामाया को आदेश दिया, ये मेरे कुछ जीव, ये मेरे बच्चे भगवान बनना चाहते हैं, हे माया तुम भौतिक जगत का निर्माण करो। उस समय भगवान की बहिरंगा शक्ति माया ने सत्व रजस तमस तीन गुणों के द्वारा इस भौतिक जगत का निर्माण कर दिया। ये भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण माया के द्वारा हुआ, और इस भौतिक ब्रह्मांड में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि अब कुछ जीव भगवान बनना चाहते हैं, ब्रह्मा जी एक काम करो, इस संसार में रह सके ऐसी कुछ डिजाइन करो। तब ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनि का निर्माण किया, डिजाइन किया, क्योंकि सबको भगवान बनना था और सारे आत्मा वहां पर थे बॉर्डर पर। ब्रह्मा जी ने 84 लाख गाय, बैल, गधा, कुत्ता, मनुष्य, आभीर, कंक, खस, शबर, अनेकों योनि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए, प्रभु सारा प्लान जो आपने बताया था सब हो गया, पृथ्वी लोक का निर्माण हुआ और उसमें 84 लाख की योनि भी बन गई, अब आप अपने सब जीवों को भेजो तो मैं फिट कर देता हूं ताकि ये संसार चलायमान हो जाए। कुछ लोग को थाईलैंड में फिट करता हूं, कुछ लोग को अमेरिका में रखता हूं, कुछ को भारत में रखता हूं, कुछ को पाकिस्तान में, आप भेजिए। तो भगवान के उस बॉर्डर में जितने भी जीव थे अपनी अपनी चेतना के अनुसार भगवान ने सबको भेजे और ब्रह्मा जी ने सबको फिट कर दिया। शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया और इसमें आत्मा आकर फिट हो गई, लेकिन फिर भी यह शरीर चलायमान नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ। ब्रह्मा जी फिर से भगवान के पास आए, प्रभु आपके कहने के अनुसार मैंने शरीर बनाया और उसमें आत्मा को भी फिट कर दिया, लेकिन एक्टिव नहीं हो रहा है, यह चलायमान नहीं हो रहा, प्रभु कुछ कीजिए। तब उस समय भगवान शिरोधकशायी विष्णु परमात्मा के रूप में 84 लाख प्रकार की योनि के समस्त जीवों के हृदय में चले गए
और जब भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में हृदय में आए तब परमात्मा आत्मा को शक्ति दिए और आत्मा के द्वारा इस शरीर को शक्ति प्राप्त हुई, तब जाकर यह जगत चलायमान हो गया, पूरा जगत चलने लगा। अब बताइए, ये जगत चला, ये जगत बना, इसमें भगवान का कहीं दोष आपको दिखा? भगवान का कोई दोष हमारा है? हम हमारी इच्छा से इस जगत में आए, हम हमारी स्वतंत्रता से इस जगत में आए। लेकिन भक्तों, जब भगवान ने यह जगत बनाया, भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई ही, तो इस सृष्टि के साथ साथ भगवान ने वेद शास्त्र का निर्माण किया। भगवान ने जब इस जीवों को, मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा, तो कहकर भेजा कि आप लोग अपनी इच्छा से जा तो रहे हो लेकिन दुखी ही होंगे, दुखी ही होंगे। और जब आपको अपने दुख का एहसास हो तो मैं आपके लिए वेद और शास्त्र का निर्माण कर रहा हूं। उस वेद शास्त्र को पढ़कर अपना जीवन निर्वाह करो और मृत्यु के बाद मेरे धाम को वापस प्राप्त करो। तो भक्तों, जब भगवान ने यह जगत बनाया तो जगत के साथ साथ वेद और शास्त्र भी बनाए। जैसे हमारे मार्केट में कोई कंपनी, चाहे टीवी, चाहे डीवीडी प्लेयर या लैपटॉप या कोई भी प्रोडक्ट निर्माण करती है, तो उसके साथ साथ एक मैनुअल बनाती है ना। हम जब कोई दुकान में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो बॉक्स घर पे आकर जब खोलते हैं तो उससे एक मैनुअल, एक किताब निकलती है, और उस किताब में लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है ना। तो भगवान ने जब ये जगत बनाया तो इस जगत के साथ साथ एक मैनुअल बनाया। क्यों भगवान ने मैनुअल बनाया? किस प्रकार से इस जगत में रहना चाहिए, इस जगत में रहकर सुखी होने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी बात उस मैनुअल में बनाई। लेकिन हमने क्या किया, हमारे जीवन में क्या हुआ? मान लो हम किसी मॉल में गए शॉपिंग करने और कोई डीवीडी प्लेयर खरीद कर लाए और मैनुअल नहीं लाए, वो नया सिस्टम, नई कोई टेक्नोलॉजी का डीवीडी प्लेयर, बिना मैनुअल को पढ़े हम अपने हाथ से उसको चलाने लगे और चलाने नहीं आया तो डीवीडी प्लेयर बिगड़ गया। जैसे बिना मैनुअल को पढ़े वो डीवीडी प्लेयर बिगड़ जाता है, वैसे ही बिना वेद और शास्त्र को पढ़े हमारा मनुष्य जीवन बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्तों, मनुष्य जीवन प्राप्त करके सुखी होने का उपाय, शांति प्राप्त करने का उपाय और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करने का उपाय वेद और शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हमारे जीवन का दुर्भाग्य, वेद और शास्त्र पढ़ने की बात तो दूर ही, हम जानते भी नहीं है कि वास्तविक वेद क्या है, दुर्भाग्य। इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। हमें यह जगत तो मिल गया, जगत की वस्तु भी मिल गई, लेकिन इस जगत, इस वस्तु को कैसे इस्तेमाल करना, यह ज्ञान हमको नहीं मिला और इसीलिए हम लोग दुखी हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके वेदों के ज्ञान को प्राप्त करना, यह हमारा प्रमुख धर्म है। वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं दुखी क्यों हूं, वाई एम आई सफरिंग, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये सारे प्रश्न वेदों के द्वारा प्राप्त करने चाहिए। तब जाकर बड़े सुख से, बड़ी शांति से मनुष्य जीवन को बिता सकते हैं और मृत्यु के बाद वास्तविक जो हमारी डेस्टिनेशन प्लेस है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः वेद और शास्त्र की हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता है।
हमारे शास्त्र में वेदों को आंख कहा गया है, श्रुति और स्मृति ये क्या है, उभय नेत्र, हमारे दोनों नेत्र के समान। इस संसार में यदि किसी के पास शास्त्र का, श्रुति और स्मृति का ज्ञान नहीं तो व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधा है। हमारे पास ये जड़ आंखें तो हैं, लेकिन वेद शास्त्र रूपी ज्ञान की आंख नहीं है, ज्ञान रूपी चक्षु नहीं है हमारे पास, और इसीलिए हमारा जीवन अंधा बन चुका है। वेदों के द्वारा हमारी आंखों को खोलना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन को भर देना चाहिए हमारी आंखों में, तब जाकर हमारा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। तो भक्तों, ये वेद जो है एक रस्सी के समान है, है ना? आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और कुएं में गिर जाओ, कुआ जानते हैं ना, कुएं में गिर जाओ, यदि कुएं में फंस गए और आप चिल्लाने लगो मुझे बचाओ बचाओ, अब कुएं में फंसा हुआ व्यक्ति यदि कुएं में फंसकर सोचे यार यहां तो कितना अच्छा है, कितना कंफर्टेबल है यहां पर, अब उसे कौन बचाएगा। एटलीस्ट कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मैं गिरा हुआ हूं। संसार की दुर्भाग्य तो आप देखिए, संसार के लोग इस संसार रूपी कुएं में गिरे हैं, लेकिन इतना भी एहसास नहीं है कि हम लोग गिरे हैं, दुखी हैं। जब ये एहसास हो जाए, कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को एहसास हो जाए मैं गिरा हूं, तो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा बचाओ मुझे यहां से कोई निकालो, तब जाकर कोई बचाने आएगा और रस्सी छोड़ेगा और उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल जाएगा। तो जिस दिन हमें एहसास हो जाए, उस दिन रस्सी तो भगवान ने पहले से छोड़ी हुई है, और ये रस्सी क्या है, वेद और शास्त्र रूपी रस्सी। वेद और शास्त्र भगवान के धाम की ओर बढ़ने के लिए रस्सी के समान, रोक के समान। अतः इस वेद शास्त्र को स्वीकार करना चाहिए। वेद और शास्त्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। वास्तव में मनुष्य जीवन का कल्याण वेदों को पढ़कर ही हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, हम वेदों को क्यों माने, आज के जो माने जाने वाले बुद्धिमान लोग हैं कहते हैं, हम वेदों को क्यों माने, न्यूज़पेपर को रोज पढ़ेंगे, वेदों को क्यों माने। कुछ लोग दावा करते हैं कि वेद कैसे सत्य हो सकते हैं। भक्तों, इस संसार में कुछ हासिल करने के लिए किसी ना किसी के ऊपर विश्वास रखना ही होगा। यदि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद के ऊपर विश्वास रखना ही होगा, अन्यथा इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम जिस चीज को देखेंगे तो ही मानेंगे, जिसको हमने देखा नहीं, जिसका हमने अनुभव नहीं किया, उस वस्तु को हम नहीं मानेंगे। तो क्या हम संसार में घटने वाली घटना को वास्तविक रूप से देख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं देखेंगे फिर मानेंगे, तो क्या आप हवा को देख रहे हो? परंतु हवा है, हवा को नहीं देख रहे तो क्या हवा नहीं है? इस संसार में हम हमारी इंद्रियों से यदि ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान कभी भी शुद्ध और पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। हमारी इंद्रियों में बहुत सारे दोष हैं, हमारी इंद्रिया धोखा खा जाती है, हमारी आंखें भी कभी धोखा खा जाती हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि भी धोखा खा जाती है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आर्ष प्रमाण अनेकों प्रकार से देखा गया, रिसर्च किया गया, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो लोग अनुमान लगाते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य कितना बड़ा है,
तो सूर्य तो एक थाली जैसा दिखाई देता है, परंतु साइंटिस्ट जो है बड़े बड़े विद्वान वो कहते नहीं, सूर्य छोटा दिखता है क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य बड़ा है। यह है अनुमान, अनुमान लगाते हैं कि सूर्य दूर है इसलिए सूर्य बड़ा होना चाहिए, लेकिन सूर्य कितना बड़ा है, कैसे बड़ा है, ये बात तो अनुमान प्रमाण से जाना नहीं जा सकता है। अतः हमारे पास एकमात्र प्रमाण और वो है शब्द प्रमाण, और भक्तों शब्द प्रमाण ही वेद है। सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि बनाने वाले भगवान ने वेद का निर्माण किया और सारी सृष्टि का, आत्मा का, परमात्मा का सारा ज्ञान वेद में भर दिया, सारा ज्ञान वेद में। कैसे हेलीकॉप्टर बनाना चाहिए वो भी वेद में लिखा है। आज के लोग हेलीकॉप्टर बनाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। वेदों में तो ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण कर सकते हैं जो बिना पेट्रोल के उड़ सकता है, मंत्र के द्वारा सारा ज्ञान, कैसे बिल्डिंग बनाना चाहिए, कैसे किचन बनाना चाहिए, सब कुछ। फिर भी कुछ लोग कहते हैं हम वेदों पर विश्वास कैसे करें, कुछ प्रमाण चाहिए। तो अभी 500-700 वर्ष पूर्व हमारे संसार में गाय के गोबर में बहुत गुण है, गोमूत्र में एंटीसेप्टिक तत्व है। ये कभी साबित किया 500-700 वर्ष पहले, अभी, लेकिन ये बात वेदों में करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ही लिखी हुई है। अब जो चीज वेद में करोड़ों वर्ष पहले लिखी हुई है उसे रिसर्च करने से क्या लाभ, उस बात को सीधा अप्लाई करो, जीवन में उतारो। इतना ही नहीं, वेदों में पहले से ही लिखा है कि कलयुग आएगा, कलयुग में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक राजा आएंगे, पूरी दुनिया पर शासन करेंगे। वेदों में पहले से ही लिखा है कलयुग में भगवान बुद्ध का अवतार होगा, उनका नाम सिद्धार्थ होगा, पहले से ही लिखा है। वेदों में पहले से ही लिखा है मोहम्मद पैगंबर आएंगे अल्लाह का पैगाम लेकर और संसार में प्रचार करेंगे, कुरान की रचना करेंगे, जीसस क्राइस्ट आएंगे, ये सब कुछ वेदों में लिखा है डेट के साथ कब कब होगा। तो इन सब प्रमाणों से साबित होता है कि वेद पूर्ण है और परम सत्य है। संसार के कुछ लोग अपने हाथों से शास्त्र लिखते हैं और कहते हैं ये पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान को छोड़कर जितने भी लोग हैं सब अपूर्ण हैं, और अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा जो लिखा जाएगा वह भी अपूर्ण ही होगा। परंतु वेद भगवान ने लिखा है, और भगवान कौन है, पूर्ण है। उपनिषद कहती है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र है। भगवान पूर्ण है, भगवान से जो उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण है, भगवान की रचना भी पूर्ण है, और पूर्ण उत्पन्न हो जाने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं। अतः इस संसार में एकमात्र पूर्ण यदि कोई है तो भगवान, और उसी भगवान के द्वारा वेद का निर्माण हुआ, इसलिए वेद भी पूर्ण है। तो वेदों से हम सबका उद्धार हो सकता है, इसलिए मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है वेदों को पढ़े। भक्तों ये तो कलयुग है, पूर्व युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब युगों में बड़े बड़े राजा या ब्राह्मण जब अपने घर पर किसी पुत्र का जन्म होता था तो पुत्र को बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते थे वेद पढ़ने के लिए, और वह पुत्र 25 वर्ष तक वेद पढ़ते थे, और 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, वेदों को पढ़ने के कारण उनका गृहस्थ जीवन परम सुखमय बीतता था, परम सुखमय। अतः इन वेदों को पढ़ना चाहिए। तब आप लोगों के मन में होगा अब तो घर पे जाकर तुरंत वेद खोलेंगे, प्रभु जी आप एड्रेस दीजिए, वेद कहां मिलेंगे।
क्योंकि हृदय में भाव तो है, श्रद्धा तो है, तुरंत इच्छा हो जाएगी अब तो वेद तो पढ़ना चाहिए। यार डीवीडी प्लेयर लेकर आए और मैनुअल नहीं पढ़े तो कैसे चलाना? ऐसे हम लोग मनुष्य बन गए और वेद नहीं पढ़े कैसे मनुष्य जीवन जीना? तो वेद पढ़ेंगे तो वेद के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। भक्तों, भगवान ने जब वेद का निर्माण किया तो सर्वप्रथम यह ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया। गीता के चतुर्थ अध्याय में कहते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनेवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष यो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परम तपह स एवाय मया तेज्ञ योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से मे सखा चेती रहस्यम एत उत्तमम। कहते हैं ये वेद जो है भगवान ने स्मृति में प्रदान किया था। अब इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए भक्तों, द्वापर युग तक किसी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। द्वापर युग तक कोई स्टूडेंट टीचर के पास जाते थे तो कलम और पेपर लेकर नहीं जाते थे, किताब लेकर नहीं जाते थे। आज तो लैपटॉप लेकर जाते हैं, है ना? आज तो वक्ता को भी लैपटॉप लेकर बैठना पड़ता है कलयुग के वक्ता है। परंतु द्वापर युग तक वेदों का ज्ञान स्मृति में होता था। भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने लिखा नहीं, बस अपने स्मृति में याद रख लिया। और सूर्यदेव विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा से ज्ञान स्मृति में चलता था। कोई शिष्य गुरु के पास जाते थे, गुरु वेदों का ज्ञान सिखा देते थे, वो धारण कर लेते थे। पूर्व युगों में स्मृति शक्ति बहुत प्रबल होती थी, दृढ़ होती थी, लेकिन आज कलयुग में स्मृति शक्ति का कोई ठिकाना नहीं। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी याद है? मैं अक्सर कहता हूं अब वेद को कहां से याद रखेंगे, कहां वेद, वेदों के मंत्र। भक्तों, वेद जो है संस्कृत में लिखा गया है, मुझे नहीं लगता है किसी को संस्कृत आता होगा। और यदि संस्कृत हमें हम जानते भी हैं तो दो प्रकार का संस्कृत होता है, लौकिक और अलौकिक। वेद जो है अलौकिक संस्कृत में लिखा गया है। तो भक्तों, पहले जो थे वेद स्मृति में थे, स्मृति केवल याद रहता था। और आज प्रायण अल्प आयुष्य, आयुष्य बड़े बहुत कम है। सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय, बुद्धि बिल्कुल मंद हो चुकी है, मंद भाग्य उपत्रता। तो अब क्या करे? द्वापर युग तो सब, द्वापर युग तक तो सब लोग अपनी स्मृति में धारण करके वेदों को रखते थे, लेकिन कलयुग में कोई अपनी स्मृति में वेदों को धारण नहीं रख सकता। तब भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा कि अब द्वापर का अंत हो रहा है और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। भगवान क्या सोच रहे हैं? माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नाही माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे जीवे र कृपाए केला, जीवे र कृपाए केला,
कृष्ण वेद पुराण माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान माया मुग्ध भगवान अपने धाम में बैठे हुए सोच रहे हैं कलयुग के लोग मंद सुमंद मतय स्मृति शक्ति नहीं होगी कलयुग के लोगों में मात्र आलस होगी पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं देगा शास्त्र को कोई सुनेगा नहीं पढ़ेगा नहीं तब क्या करे तब वही भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जी का अवतार लेकर प्रकट हो गए और वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने सोचा यदि कलयुग के लोगों के लिए मैं वेदों को लिपिबद्ध कर दूं कलयुग के लोगों के लिए यदि मैं वेदों को लिख दूं तो कलयुग के लोग उसे पढ़ सकते हैं तब वेद व्यास जी बद्रीनाथ नाम के पवित्र धाम में बैठकर भगवान के द्वारा दिए गए वेद को लिपिबद्ध करने लगे लिखने लगे प्रकाशित करने लगे तो इस प्रकार विचार कीजिए भक्तों वेद व्यास जी की कलयुग के जीव के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कलयुग के जीव के लिए वेद लिखे और उन्होंने वेद को लिखा नहीं वेदों का विभाजन किया सृष्टि के प्रारंभ में एक वेद परंतु वेद व्यास जी ने उस एक वेद को चार वेद में विभाजित कर दिया ऋग वेद साम वेद अथर्व वेद अजुर यजुर वेद और उस वेदों में भी अनेक विभाग ब्रह्मण्यक हिरण्यक संवित उपनिषद और उसमें भी अनेकों विभाग अनेकों अध्याय अनेकों स्कंद चार चार वेद का निर्माण किया लेकिन वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग इस वेद को समझ नहीं पाएंगे इसलिए उस वेदों को आसानी से समझाने के लिए तत्पश्चात वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद की रचना की कठ उपनिषद केन उपनिषद ईश उपनिषद ऐसे 108 उपनिषद की रचना फिर भी वेद व्यास जी के मन में हुआ कि कलयुग के लोग ये उपनिषद भी नहीं पढ़ सकते हैं तब वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की कहते हैं पुराणों की रचना करते हुए सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना जिस मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक तत्पश्चात ब्रह्म पुराण की रचना जिसमें 10000 श्लोक देखिए कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए वेद व्यास जी लिखते जा रहे हैं क्या सोचकर लिख रहे हैं कि कलयुग के लोग इसे पढ़ेंगे और अपना उद्धार करेंगे कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे इन पुराणों का नाम लिखने की सुनने की बात और समझने की बात बहुत दूर है और भक्तों किस पुराण में कितने श्लोक हैं ये भी वर्णन हुआ है और श्लोक की गिनती इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको पता चले ये पुराण कितने बड़े हैं कितने विशाल हैं 9000 श्लोक मार्कंडेय पुराण 10000 श्लोक ब्रह्म पुराण वामन पुराण जिसमें 10000 श्लोक आप गिनिए कितने पुराण की रचना हो 3 पुराण तत्पश्चात वेद व्यास जी ने शिव पुराण की रचना की जिसमें 11000 श्लोक है ना कुछ लोग शिव पुराण पढ़ते हैं 11000 तत्पश्चात वेद व्यास जी ने ब्रह्मांड पुराण की रचना की जिसमें 12000 श्लोक मत्स्य पुराण की रचना जिसमें है 14000 श्लोक भविष्य पुराण 14500 श्लोक अग्नि पुराण 15400 श्लोक नरसिंह पुराण 17000 श्लोक गरुड़ पुराण 19000 श्लोक विष्णु पुराण 23000 श्लोक वायु पुराण 24000 श्लोक वराह पुराण में भी 24000 श्लोक नारद पुराण 55000 श्लोक
पद्म पुराण 25,000 श्लोक और कहते हैं स्कंद पुराण जिसमें 81,000 श्लोक। कितने पुराण हुए? 17 पुराण हो गए। 4 वेद, 108 उपनिषद, स्त्रीन श्रुति गोचर, स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं का अधिकार वेदों के ऊपर नहीं है। उन लोगों के ऊपर कृपा करके वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक युक्त महाभारत की रचना की। 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत और 17 पुराण की रचना वेद व्यास जी कर चुके हैं। 17 पुराण की रचना वेद व्यास जी कर चुके हैं। किसके लिए? कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन भक्तों आश्चर्य की बात क्या थी? सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि इन समस्त वेदों को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने शिव पुराण लिखा, लिंग पुराण लिखा, ब्रह्मांड पुराण, 17 पुराण लिखे, लेकिन इतने पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी खुद सुखी नहीं हो पाए। अब बताइए, लिखने वाला जब सुखी नहीं है तो पढ़ने वाले और सुनने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं? और इसीलिए वेद व्यास जी को चिंता उत्पन्न हो गई। संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा और इतना लिखने के बाद भी मुझे संतुष्टता नहीं हो रही है, मेरे हृदय में कुछ अपूर्णता महसूस हो रही है, कुछ घट रहा है, कुछ कमी है। भक्तों इस संसार में कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अपनी गलती स्वयं नहीं ढूंढ पाता है। सब लोग यही मानते हैं कि आई एम परफेक्ट, अपनी गलती स्वयं अपने आप को समझ में नहीं आती। यद्यपि वेद व्यास जी भगवान है और भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने संसार के लोगों को उपदेश दिया स्वयं को माध्यम बनाकर कि भगवान का शक्त्यावेश अवतार भी क्यों न हो, स्वयं भी अपनी कमी को समझ नहीं पा सकते। अलकनंदा की पवित्र धारा में स्नान करके, बद्रीनाथ धाम में बैठकर आचमन करके वेद व्यास जी बैठे थे और उसी समय वेद व्यास जी के गुरु जो निरंतर वीणा बजाते रहते हैं और वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम का गान करते रहते हैं, ऐसे नारद मुनि वेद व्यास जी के पास प्रकट हो गए। अपने गुरु नारद जी को देखकर वेद व्यास जी दोनों हाथ जैसे एक रोगी अनेकों रोगों से ग्रस्त, अनेकों दुखों से पीड़ित होकर जब डॉक्टर को देखता है और अपना सब कुछ डॉक्टर को समर्पित कर देता है, वैसे वेद व्यास जी नारद मुनि के चरणों में अपना हाथ रख दिए, कहने लगे, नारद जी बताइए, मैंने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए इतना कुछ लिखा, इतने पुराणों की रचना की, परंतु इन पुराणों की रचना करके मैं स्वयं प्रसन्न नहीं हूं। मेरी इन रचना में क्या कमी है? नारद जी, मेरी इस रचना में क्या घट रहा है, आप मुझे बताइए। तब नारद जी ने डांट कर कहा, वेद व्यास जी, आपने अपने शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा, आत्म तत्व के ऊपर, परमात्म तत्व के ऊपर बहुत बहुत सारे सिद्धांत और उपदेश का निर्माण किया, परंतु वेद व्यास जी आपकी एक गलती हो गई। गलती क्या हुई? आपने जितने जितने पुराण लिखे और जिस विषय में आप पुराण लिखते गए उसकी महिमा को अतिशयोक्ति करते हुए आपने वर्णन कर दिया। अब वेद व्यास जी के पास और कोई चारा भी नहीं था, है ना? मानो हमारे परिवार में या किसी की शादी हो और दूल्हा कितना भी काला हो, कलूटा हो, यदि सुबह सुबह उसका दर्शन हो जाए तो भोजन भी ठीक से नहीं पेट में जाता हो,
ऐसे दूल्हे की शादी हो, लेकिन फिर भी गाना तो गाया जाता है कि हमारा दूल्हा सुंदर है, तेरा दूल्हा कितना सुंदर है तो हम जानते हैं, परंतु गाना तो उसका ही गाया जाता है जिसकी शादी होती है, फिर भले कैसा भी क्यों ना हो। तो ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी ने वही किया, शिव पुराण लिखा तो वेद व्यास जी ने शिव जी का ही गुणगान किया। शिव जी ही महान है, शिव जी ही परमात्मा है, शिव जी सृष्टि के सर्जनहार हैं, शिव जी सृष्टि का पालन करते हैं, शिव जी प्रलय करते, शिव जी सब कुछ है, शिव जी सबके हृदय में है, कण कण में। देवी पुराण लिखा तो वेद व्यास ने देवी को ही सब कुछ बता दिया, देवी ही भगवान है, देवी ही सब कुछ करती है, वही परमात्मा। गणेश पुराण लिखा तो गणपति को ही भगवान कह दिया। नारद जी बहुत डांटे, वेद व्यास जी आपने इस प्रकार से सबको अतिशयोक्ति करते हुए कह दिया, अब कलयुग के लोग आपके शास्त्र को पढ़ेंगे, कोई शिव पुराण पढ़ेगा, कोई देवी पुराण पढ़ेगा, कोई गणेश पुराण, और आपके पुराण को पढ़कर जब आपस में मिलेंगे तो झगड़ा के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और कलयुग में होने वाले झगड़े का दोष आपके मस्तक पर आया, आपकी इस रचना के कारण झगड़ा होगा और उस झगड़े का दोष आपके ऊपर आया है, और इसीलिए आपके हृदय में अशांति है, इसीलिए शांति। तब वेद व्यास ने कहा मैं क्या करूं। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी अभी भी आपके पास समय है, इस संसार में भूल किसी से भी हो सकती है, लेकिन यदि भूल को सुधारा जाए तो आपका और कलयुग के जीव का उद्धार हो सकता है। आप अपनी भूल को सुधार लीजिए। कैसे सुधारे? आपने अब तक जितने भी पुराण लिखे और उसमें अतिशयोक्ति करके लिखा है, जिस दूल्हे की शादी थी उसका ही गुणगान किया, अब आप शादी वादी मत देखिए, आप ये देखिए वास्तविक इस संसार में सुंदर कौन है, वास्तविक इस संसार में शक्तिशाली कौन है, वास्तविक ऐश्वर्यशाली ज्ञानी षड ऐश्वर्य पूर्ण जिसमें षड भग निहित तो हो, ऐसे वास्तविक भगवान कौन है, उसके विषय में आप ग्रंथ लिखिए। और साफ साफ बताते हुए कह दिया वेद व्यास जी, जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला रचित श्रीमद भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक न तो आपको सुख मिलेगा न तो कलयुग की जनता को सुख मिल सकता है। यदि आप सुखी होना चाहते हो, कलयुग की जनता को सुखी करना चाहते हो, तो कृष्ण लीला रचित श्रीमद भागवत की रचना करो, क्योंकि इस संसार में कितना भी अच्छा ग्रंथ हो, कितना भी अच्छा छंद व्याकरण अलंकार हो, परंतु कृष्ण कथा न हो तो बड़े बड़े संत ऐसे ग्रंथ को कौवे का तीर्थ कहते हैं, कचरा समझते हैं। परंतु त्रुटि भी हो, रचना वाक्य अलंकार संस्कृत की त्रुटि भी क्यों न हो, परंतु उस रचना में कृष्ण के गुणगान हो, कृष्ण की कथा हो, तो बड़े बड़े परमहंस उन कथा को सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हैं और उसे सुनते हैं और उसमें अवगाहन करते हैं। अतः आप कृष्ण कथा रचित भागवत की रचना करो। और वेद व्यास जी ज्यादा तो क्या बताऊं, मैं स्वयं अपने जीवन के बारे में बताऊं। मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ, पिता ब्रह्मा ने आज्ञा दी शादी करो, मैंने शादी नहीं की, वो क्रोधित हो गए, तो मेरा दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता बना। एक बार पुष्कर क्षेत्र में गया, अप्सरा के ऊपर मेरा मन लोभित हो गया, ब्रह्मा जी के धाम में अपराध होने के कारण ब्रह्मा जी ने फिर से श्राप दिया, तो मेरा तीसरा जन्म एक दासी के घर पर हुआ। मेरे पिता का नाम द्रुमिल गोप, मेरी मां का नाम कलावती,
जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई और माँ अनेकों लोगों के घर पर बर्तन मांझकर भोजन पकाकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन की बात, वेदव्यास जी हमारे गांव में बड़े बड़े संत आए और चातुर्मास का समय चल रहा था और मेरी माँ को उन साधु संतों की सेवा करने का अवसर मिला। मेरी माँ संतों की सेवा करती और मैं उस साधुओं की टोली में बैठा रहता और साधुओं की टोली में बैठकर कृष्ण कथा को सुनता रहता। बस मैं शूद्र था, मैं पापी था, लेकिन उन संतों के मुख से कृष्ण कथा सुनकर आज मैं नारद बन गया। वेदव्यास जी इस भागवत को सुनकर, कृष्ण कथा को सुनकर आज मुझे ऐसा शरीर मिला है, जब चाहूं तब और जहां चाहूं वहां बिना पासपोर्ट, बिना वीजा और बिना टिकट के जा सकता हूं। स्वतंत्र गति से, अव्याहत गति से विचरण कर सकता हूं। ये एकमात्र कृष्ण कथा की कृपा है, महिमा है। बस वेदव्यास जी आपको अंतिम उपदेश, आप ये समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दो और उस भागवत से आप भी प्रसन्न हो जाओगे और उस भागवत को सुनकर पढ़कर कलयुग की जनता भी प्रसन्न हो जाएगी। इतना कह के नारद मुनि चले गए। वेद व्यास जी समाधि में बैठे और समाधि में बैठकर भागवत ग्रंथ का निर्माण कर दिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। इस भागवत में 12 स्कंद, 375 अध्याय और 18,000 श्लोक, दिव्य ग्रंथ है यह भागवत। और इस भागवत का प्रारंभ कहां से हुआ, कल आपने सुना, कहां से हुआ? महाभारत के युद्ध के 18वें दिन से। वेदव्यास जी प्रारंभ करते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयाना। कल आपने सुना किस प्रकार से भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा टूटी और किस प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है। अश्वत्थामा, देखिए वायुदेव प्रसन्न हो गए हैं भागवत कथा के कारण। अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 1 ब्रह्मास्त्र उस पांडवों का अंतिम वंशधर, अपने वंश को चलाने वाला अंतिम बालक जो अभिमन्यु की पत्नी उतरा के गर्भ में था, उस गर्भ के ऊपर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार है, रथ के ऊपर विराजमान है। जैसे ही रथ आगे बढ़े तुरंत देवी उतरा दौड़ते हुए आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, पाही माम हे जगतपति, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हैं, उतरा नीचे खड़ी है। कृष्ण कहने लगे, उतरा क्या हुआ, तुम रक्षा क्यों मांग रही हो? तब देवी उतरा कहती है, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, आप मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उतरा तुम रक्षा मांगने के लिए मेरे पास आई? मैं तो एक गांव का ग्वाला, बांसुरी बजाने वाला, महाभारत के युद्ध में न तो शस्त्र अस्त्र धारण किया। अरे तुम्हारे 5-5 योद्धा पांडव खड़े हैं, तुम्हारे दादाजी खड़े हैं, 5 पांडव खड़े हैं और अभी अभी ताजे ताजे कुरुक्षेत्र में विजय होकर आए, बिल्कुल अनुभवी योद्धा है, तुम उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों आई? तब देवी उत्तरा ने जो बात बताई अद्भुत, कहती है, कृष्ण कृष्ण ये जो 5 मेरे दादा खड़े हैं ना, ये 5 पांडव, यदि मैं उनको कहूं आपको 1 मिनट में 10,000 लोगों को मारना है तो तुरंत मार देंगे,
क्योंकि संसार में मारना तो सब लोग जानते हैं, है ना, पेपर में भी पढ़ते हैं आज आतंकवादियों ने इतनों को मार डाला, आज एक्सीडेंट में इतने लोग मर गए, आज डाकू ने इसको मार डाला, आत्महत्या करके इतने मर गए। परंतु कभी ऐसे सुना कि आज एक आदमी मर गया और उसे शमशान में लेकर जा रहे थे तो कोई आया और उसे जीवित कर दिया? कभी नहीं। एक दूसरे को यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को मारना तो सब लोग जानते हैं। देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर बात बताई, जब कृष्ण ने कहा तुम पांडवों के पास जाओ, तब उत्तरा कहती है कृष्ण नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यहां पर अनेकों योद्धा खड़े हैं, वो परस्परम एक दूसरे को मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को जीवित करने का काम तो एकमात्र आप ही कर सकते हो। मरे हुए को जीवन दान देने का काम एकमात्र आप कर सकते हो। फिर सांदीपनी मुनि का पुत्र हो या द्वारिका में ब्राह्मण का पुत्र हो या समुद्र मंथन के मंदार पर्वत उठाने वाले देवता और दानव हो, मरे हुए को जीवित एकमात्र भगवान कृष्ण कर सकते हैं। और इसीलिए यदि अभय दान चाहते हैं तो गोविंद दास जी कहते हैं अभय प्रदान करने वाले भगवान गोविंद की शरण लेनी चाहिए। भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चर नार वृंद रे, हमारे गौड़ीय परंपरा में अनेकों वैष्णव भजन ठाकुर भक्ति विनोद नरोत्तम दास ठाकुर कविराज गोस्वामी अनेकों शुद्ध भक्तों के द्वारा पवित्र चित्त पवित्र हृदय से भजन लिखे गए, जिन भजन को सुनने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाता है। गोविंद दास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चर नार वृंद रे, भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चर नार वृंद रे, भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चर नार वृंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, करहु ये भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे, भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे, भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे, अभय चरनार वृंद रे। इस संसार में अभय प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। देवी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
निवेदन कर रही है। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब मानो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा को कहे, उत्तरा तुम्हारे पति तो रणभूमि में मर चुके हैं, आप सब जानते हैं अभिमन्यु तो मर चुके थे। उत्तरा तुम्हारे पति तो रणभूमि में युद्ध में मर चुके हैं, और पति के मर जाने के बाद पत्नी जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है। यदि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो मर जाओ, वैसे भी तुम्हारे जीने से क्या लाभ है। बात भी सत्य है। रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास में जा रहे थे, देवी सीता आई और सीता ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ वनवास में आऊंगी। भगवान राम ने कहा, नहीं, तुम यहां अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो, अपने घर का ध्यान रखो। तब जगत जननी देवी सीता कहती है, जिय बीनु देह नदी बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। प्राणनाथ में बहुत सुंदर कहते हैं, प्राणनाथ तुम बिन जग माई, मोते अधिक सुख कछु नाही। जिय बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं होती है, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं होता है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती है। देवी उतरा, तुम जीवो और मरो क्या फर्क है, मर जाओ। तब भारतवर्ष की नारी ने एक बहुत सुंदर बात बताई, कहते हैं, कृष्ण मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है। मेरी तो आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, अभी द्रवति मामिष मामे गर्भो निपात्यताम। कृष्ण मैं भले मर जाऊं, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक है, उस बालक को एक खरोज भी नहीं आनी चाहिए, बस यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना। यह है आर्यवर्ष की नारी, वे खुद मरने के लिए तैयार हैं, परंतु अपने गर्भ की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही है। कहां देवी उतरा एक आदर्श नारी, और कहां आज कलयुग की नारी है, काम वासना से मोहित होकर पुरुष के साथ संग करती हैं और फिर अपने गर्भ का पात कराती है, अबॉर्शन कराती है, गर्भपात कराती है। संसार का सबसे बड़ा पाप है। देवी उतरा एक आदर्श पात्र है, किस प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा करना देवी उतरा सिखाती है। तो भगवान को प्रार्थना की, और देवी उतरा की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर एक सूक्ष्म रूप लेकर उतरा के गर्भ में चले गए। एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, और गदा और चक्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उतरा के गर्भ की रक्षा कर ली, और कृष्ण ने उतरा के गर्भ की रक्षा की। इस दृश्य को देखकर पांडवों की माता देवी कुंती रह नहीं पाई, तुरंत उनके हृदय में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव उमड़ पड़ा, और दौड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी, और प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर स्तुति गाने लगी। भक्तों, भागवत में अनेकों लोगों के द्वारा भगवान को स्तुति हुई है, परंतु देवी कुंती के द्वारा जो स्तुति है अद्भुत। सर्वप्रथम देवी कुंती भगवान कृष्ण के चरणों में नमस्कार कर रही है, दंडवत प्रणाम कर रही है,
नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। सर्वप्रथम दंडवत करते हुए नमस्कार करती है, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी है? देवी कुंती कृष्ण की बुआ है। वास्तव में देवी कुंती और वसुदेव ये दोनों सूरसेन की संतान थे। वसुदेव जी और कुंती दोनों भाई बहन थे, लेकिन राजा सूरसेन के एक मित्र थे जिसका नाम था कुंती भोज। राजा कुंती भोज के पास कोई कन्या नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने अपनी कन्या देवी कुंती कुंती भोज को प्रदान कर दी। वास्तव में देखा जाए तो वसुदेव की बहन और कृष्ण की बुआ थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी आप तो मां के समान हो, और मां बनकर आप मेरे बेटे को प्रणाम कर रही हो। मैं तो आपके पुत्र के समान, मैं तो छोटा सा बालक हूं और आप मेरी मां, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। तब देवी कुंती कहती है, कृष्ण तुम दिखने में बालक हो, लेकिन तत्व से देखा जाए तो तुम इस जगत के रहने वाले सबके बाप हो। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस संसार में समस्त जीव के आप पिता हो। तमेव माता, गाते ही हैं आप लोग, च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। आज तो केवल गाते ही हैं, बस बोलने के लिए रह गया है। बाकी आज के माता पिता धाता पैसा बन गया है, पैसे को ही माता पैसे को ही पिता। कृष्ण आप दिखने में छोटे हो, परंतु वास्तव में तत्व से देखा जाए तो आप सबके बाप हो। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम। देवी कुंती अपने श्लोक में स्तुति में कहती हैं कि हे कृष्ण आप सबके आदि हो, अनादि हो। आदि कारण होता है सर्व कारण कारणम, हमारे कारण हमारे माता पिता, उस माता पिता के कारण उनके माता पिता, उनके कारण उनके पिता, उनके पिता उनके पिता, करते 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 जहां एंड हो जाता है वो है भगवान। और वही है कृष्ण जो सबके आदि है अनादि। तो भगवान श्री कृष्ण सबके आदि। मन में प्रश्न हो सकता है कि जो सबके आदि है, सबके पुराने हैं, वो तो बूढ़े होने चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में जो सबके आदि होते हैं, सबसे बुजुर्ग होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, लंबी लंबी मूछें होती हैं, बूढ़े होते हैं। तो कृष्ण तो दुनिया में समस्त जीवों के आदि हैं, तो वो तो बूढ़े होने चाहिए। तब देवी कुंती है, नहीं नहीं आप सबके आदि हो, आप सबसे पुराने हो, आद्यम पुराण पुरुषम। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप सबके पुराने हो आदि हो, लेकिन फिर भी नव यौव नमच, फिर भी आप नित्य नवीन युवा अवस्था में प्रकट होते हो। भगवान श्री कृष्ण के रूप की एक महिमा है, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, वो मात्र 16 साल के युवक ही रहते हैं। इसलिए तो मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई गाती हैं कि मैं ऐसे पति के साथ विवाह करके क्या करूं जो आज जी रहा है और कल मर जाने वाला है। मैं ऐसे पति के साथ विवाह करके क्या करूं जो आज है और कल मर जाए। मैं तो विवाह करूंगी गिरधर गोपाल से, जिससे मेरा सुहाग अमर रहे हो जाए। वास्तव में यही भाव होना चाहिए हम सबका। मारवाड़ की मीराबाई, अद्भुत घटना है भक्तों, 4 वर्ष की उम्र थी,
चार वर्ष की उम्र थी मीराबाई की, छोटी सी बालिका। उनके गांव में कोई बरात लेकर आया, बरात तो आप जानते हैं बराती होते हैं, नाचते हैं बजाते हैं। तो मीराबाई ने सुना, चार साल की कन्या सुना, और कई लोग नाच रहे थे गा रहे थे, अपनी माँ के पास गई, माँ के पास गई और अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ ये क्या हो रहा है? मीराबाई की माँ ने कहा, ये दूल्हा आया है शादी करने के लिए। अच्छा माँ ये शादी हो रही है, तो माँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ। अब चार साल की लड़की कहती है शादी करना चाहती हूँ, तब मीराबाई की जो माँ थी उन्होंने मनाया, नहीं तुम जब बड़ी हो जाओगी तब शादी होगी, नहीं मुझे आज ही शादी करनी। अरे बड़ी तो होने दो, नहीं मुझे आज शादी करनी है माँ, मेरा दूल्हा कौन है मुझे बताओ, मुझे दूल्हा चाहिए दूल्हा चाहिए। तब माँ ने, अब लड़के लोग जिद करते हैं, बच्चे जिद करते हैं, तो उनको मनाने के लिए ठाकुर जी का विग्रह था, कृष्ण की मूर्ति उनके घर पर थी, बोले ठीक है मीरा मैं आज से तेरी शादी करा देता हूँ। किससे? मीरा के हाथ पकड़ कर लेकर गई मंदिर में और कह दिया, मीरा आज से तेरे पति ये कृष्ण है। चार वर्ष की कन्या, और माँ ने कह दिया कि आज के बाद यही कृष्ण तेरे पति हैं। बस उस दिन से कृष्ण को अपना पति मान लिया, मरते दम तक मेरा भाई ने उस कृष्ण को ही अपना पति बनाए रखा। यद्यपि उनका विवाह हुआ राणा के साथ, लेकिन वास्तविक पति तो मीराबाई कृष्ण को ही मानती थी। तो इस प्रकार भगवान सबके आदि हैं, अनादि हैं, नव यौवनम च हैं। और इतना ही नहीं, देवी कुंती कहती हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। हे कृष्णा, आप इस संसार की समस्त वस्तुओं में निर्धारित हो। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में भी रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में भी रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण संसार के कण कण में भी रहते हैं। प्रभु आप अंदर भी रहते हो, बाहर भी रहते हो, ऊपर नीचे सब जगह पर रहते हो। मानो जब देवी कुंती ने यह कहा आप सब जगह पर हो, तब कृष्ण ने कहा कि बुआ जी आप कहते हो कि मैं अंदर हूं बाहर हूं ऊपर नीचे अत्र तत्र सर्वत्र, तो लोगों को दिख क्यों नहीं रहा, है ना? आज भी लोग कहते हैं ना, आप लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, कभी देखा कृष्ण को? बस निकल पड़े हो हरे कृष्ण करने के लिए, देखा कभी कृष्ण को? और यदि कृष्ण है तो हमें दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण खुद पूछते हैं देवी कुंती को कि आप ऐसा मानती हो मैं अंदर हूं बाहर हूं ऊपर नीचे सब जगह पर कण कण में हूं अंदर भी हूं, तो संसार के लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हैं? तब देवी कुंती हैं, कुंती कहती हैं, इसका उत्तर कल सुबह 7 बजे दूंगी। संसार के लोग, कृष्ण सब जगह पर हैं ये तो निश्चित है, हम लोगों के बीच में भी कृष्ण बैठे हैं, ये कल आप इसे समझोगे, ये तो निश्चित है, लेकिन फिर भी हम लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका उत्तर देवी कुंती कल देगी। और यदि आपको कृष्ण को देखना है तो क्या करना है, ये बात भी देवी कुंती कल बताएगी, लेकिन ठीक 7 बजे सबको यहाँ पर आ जाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर आए, और सब लोग बड़े तपस्वी हैं, हैं? बड़े त्याग करके आए, कुछ लोग अपने पति का त्याग करके आए, कुछ लोग अपनी पत्नी का त्याग करके आए, कुछ लोग अपने बच्चों का त्याग करके आए, कुछ लोग भोजन का त्याग करके आए, कुछ लोग दुकान का ऑफिस का त्याग करके आए, आपके त्याग को धन्यवाद है। और इस प्रकार से त्याग करके जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो निश्चित भगवान की कृपा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज कथा का 3रा दिन है, और भी कथा ये आगे चलेगी, आप लोग आइए। और कल जब आएंगे ना तो आपको एक काम करना है, करोगे पक्का? भगवान ने आपको कितने हाथ दिए हैं?
दोहराती है। और आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड यहां फुकेट में कितने हैं? बहुत सारे। कल जब आप यहां पर आओगे तो अपने दोनों हाथ में एक एक व्यक्ति को पकड़ कर लाना, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, जब आएंगे ज्यादा नहीं, आपके हाथों में एक एक आदमी चाहिए। मैं कहूंगा आपके दो कहां मुझे दिखाओ, आपके दो कहां बैठे हैं दिखाओ है? तो कल इतना होमवर्क करके आइए, तो फिर क्योंकि कथा तो सुननी है, ज्यादा लोग सुनेंगे तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने आसन पे बैठे रहिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो आज सुबह के सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और बहुत ही सुंदर प्रकार से आपने बैठ के भागवत कथा का श्रवण किया, और प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर प्रकार से हमें भागवत कथा का रसास्वादन कराया कि किस प्रकार से 108 उपनिषद लिखने के बाद और 18 पुराण की रचना के बाद इतने फिर भी वेद व्यास जी के मन को संतुष्टि नहीं थी, पर योग्य गुरु आए अर्थात नारद मुनि के रूप में भगवान के ही शक्तावेश अवतार वेद व्यास जी को समझाने के लिए भगवान के ही मनु अवतार नारद मुनि आए, और उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई कि किस प्रकार भागवत की रचना करो आप। और भगवान की लीला रचने के बाद ही वेद व्यास जी को संतुष्टि हुई, तो उसी प्रकार हमारा मन भी जो विचलित होता है, तो केवल संसार में एक ही वस्तु है कि वह है भागवत और भगवान का नाम, तो इसे सुनने के कारण ही हमारे जीव को और आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी। तो प्रभु जी ने ऐसी भागवत कथा हमें बहुत ही सुंदर प्रकार से सुनाई, तो हम प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आज विशेष अनाउंसमेंट यह है कि हम जो रोज सुबह कथा के बाद यहाँ सुंदर प्रसादम की व्यवस्था की गई है, तो रोज कई भक्तों का इसमें अनुदान है, तो बहुत ही सुंदर डोनेशन देने वाले आज भी एक भक्त है जिन्हें हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्लीज स्टेज पे आए और उनका अभिवादन करेंगे। तो आज के प्रसादम स्पॉन्सर है श्रीमान बुद्धप्पा बुद्धम थापा जी। तो श्रीमान बुद्धम थापा जी के परिवार की ओर से आज का प्रसाद है, तो मैं निवेदन करता हूँ बुद्धम थापा जी से कि प्लीज स्टेज पे आए और प्रभु जी से पुष्प हार माला ग्रहण कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण, आइए। तो हम प्रभु जी के परिवार के लिए और प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे, और एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करके उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक में शिवा हरे कृष्ण, जो भक्त अपने धन को ऐसे वैष्णवों की सेवा में लगाता है, प्रसादम में लगाता है, वही वास्तविक में तारीफ के काबिल है। और आज और एक है विशेष अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, श्रीमान रविकुल रामदास जी, जो कि हमारे इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट है। तो मैं निवेदन करूंगा रविकुल जी से कि प्लीज स्टेज पे आए और दो शब्द कहिए। रविकुल जी, रविकुल रामदास जी। हरे कृष्णा। रविकुल रामदास जी हमारे इस क्षेत्र के इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं, और श्री प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर सेवा में लगे हैं, और यहाँ पर आकर इस भागवत कथा की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ रविकुल प्रभु से, कल से आगे बैठिएगा आप, और हमारे इस श्रोता को आप संबोधन कीजिए कुछ उपदेश। हरे कृष्णा। यहाँ प्रभुजी को अगाड़ी मैं भन्ने कुराहरु त केही पनि छैन, तब नि यसरी यहाँ
वहाँ इंडिया देखिन प्रभु जी ऐसेरी आई दे रहा हमेला यो भागवत कथा सुनने यत्रो मौका दिनु भयो आज हामी फुकेटमा यस्तो मौका अगाडि पाइएको पनि थिएन होला त्यसरी हामीहरू यस्तो मौकामा हामी सबै जुटेर यसरी प्रभुजीको श्रीमद् भागवतम उहाँको वाणी सुन्न पाउँदाखेरि हामीलाई धेरै धेरै कल्याण भयो र हामीले प्रभुजीलाई यसरी नै अरू अरू समयमा पनि बोलाउन सकिन्छ होला भन्ने निमन्त्रणा गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई आस्था छ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी आएर कथा सुन्नेको बारेमा र यसरी साथसाथै भोलि शुक्रबारको बेलुका उहाँ कत्ता एक्सपोमा पनि प्रभुजीलाई निमन्त्रणा गरिएको छ कोही भाइ बहिनीहरू होलान् साथी होलान् यसरी दिउँसो बिहान उठ्न नसक्ने भक्तजनहरू होला उहाँहरूको लागि पनि कल्याण होस् भन्दै हामी बेलुका बेलुकी 10:30 बजीदेखि 12 बजीतलक राखिएको छ अलिक छिट्टै आइदिनु होला प्रभुजीलाई डेरी हुन्छ बिहानको लागि भनेर हामी सिधै जाने बित्तिकै कथा राख्ने हो र यसरी नै सन्डेको दिउँसो प्रोग्राममा पनि त्यसरी हाम्रा बालबालिकाहरू भक्तजनहरू मातापिताहरू बिहान आउन नसक्नेहरू दिउँसो पनि प्रोग्राम राखिएको छ यसरी प्रभुजी आएको मौकामा भनेर 1 बजीबाट 3 बजीतलक र सबै दिन सबै भक्तजनहरू आइदिनु होला भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र प्रसादमको लागि पनि तपाईँहरूले स्पन्सर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो निवेदन छ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच प्रभुजी हरे कृष्ण तो बहुत ही सुंदर प्रकार से रविकुल रामदास जी ने हमें अनुदोलन किया तो अब मैं निवेदन करूंगा आरती के लिए बुद्धम जी से कि बुद्धम जी प्लीज़ आइए और भागवतम जी की आरती कीजिए बुद्धम थापा जी प्लीज़ विषय विलास विमोह विना
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जिन भक्तों को प्रसाद लेना है प्रसाद ले सकते हैं, राम 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 प्रसाद शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय हरि बोल।